नमस्कार दोस्तों, टेस्टी विद पद्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बना रही हूँ पालक और पनीर की रेसिपी। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम ताज़े पालक ले लिए हैं। इसको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है। इसके साथ ही मैंने गैस पर एक भिगोना चढ़ा दिया था। इसमें 1 लीटर के करीब पानी डाल दे रही हूँ और पानी को अच्छे से हम उबलने देंगे। साथ ही मैं एक बाउल में ठंडा पानी ले लिए हैं, एकदम ठंडा पानी। तो देखिए पानी भी उबल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे सारे पालक को, धीरे धीरे करके सारे पालक को डाल लेना है। इसमें कुछ ट्रिक होते हैं जिसे अपनाएँगे तो हमारा जो पालक पनीर का रेसिपी बहुत अच्छा बनता है। तो जब पानी उबल रहा है तो उसमें आप चाहें तो 1 छोटी चम्मच शक्कर, 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल दें, जिसे तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए पालक जो है उबल चुका है, तो अब इसे हम स्ट्रेटनर की सहायता से निकाल करके जो ठंडा पानी लिया था उसी में हम डायरेक्ट डालेंगे, जिससे कि पालक को शौक लगेगा तो यह बहुत ही ग्रीन दिखता है। इस तरीके से हम करेंगे तो पालक को जो है थोड़ा सा शौक लगता है। और देखिए मैंने ठंडा पानी में पूरे पालक को डाल दिया था। अब इसे स्ट्रेटनर की सहायता से छान लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो देखिए यह थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मिक्सी के जार में पूरा डाल लेंगे और इसे हम फाइन पेस्ट बना लेंगे पीस करके। इस पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पहले से ही पानी है। तो देखिए मैंने फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने एक पैन चढ़ा लिया है, उसमें 1 स्पून के तकरीब ऑयल डाली हूँ। अब ऑयल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें पनीर को डालेंगे। जब भी मैं पनीर बनाती हूँ तो उसको हल्का सा तेल में तल देती हूँ, जिससे जो है पनीर का कच्चापन अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो इस स्टेप को फॉलो करें, नहीं तो स्किप कर दें। और देखिए मैं पनीर को थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। तो कुछ ही समय में पनीर जो है थोड़ा सा हल्का इसमें कलर चेंज हो जाएगा और पनीर को जो है इसी प्रकार से इतना ही, बस थोड़ा सा ही इसका कलर चेंज करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो अब इसे निकाल लेती हूँ फटाफट से मैं एक प्लेट में। तो पूरा पनीर मैंने निकाल लिया है। इसको बनाने के लिए मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां लिए हैं, 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक। अब इसको मैं कूट लेती हूँ। इसका जो है टेस्ट पालक पनीर की सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसको ज़रूर फॉलो करें इस स्टेप को। और देखिए मैंने इसको ना दरदरा कूट लेती हूँ, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा कूटना है बस। अब इसी पैन में गर्म है, अब 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। और मैं कुछ खड़े मसाले लेती हूँ। 2 सूखी लाल मिर्च ली है, 1 तेज़पत्ता लिया है और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है। अब इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे, इसको थोड़ा सा हिला देती हूँ। तो देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को चटकने देंगे अच्छे से। जब जीरा चटक जाए तो कूटी हुई जो हमने लहसुन अदरक को कूट करके रखा था अब उसको डाल लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। देखिए तो मैं इसे हिला लेती हूँ, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसी कंडीशन में हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज के प्याज को मैंने काट कर रखा था, अब उसी को डाल लिया है। तो चलिए इसे भी चलाते हुए हम इसको भूनेंगे और इसका भी कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। 2 से 3 मिनट में ही इसका जो है कलर चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है अब। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने काट करके रखा था, बारीक काट लिया था। आप चाहें तो टमाटर को फाइन पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर को बारीक काट कर इसमें डालती हूँ हमेशा। तो इसी प्रकार से मैंने बारीक काट के डाल लिया है और मैं इसे टमाटर को थोड़ी देर के लिए ढक करके पकाऊंगी, जिससे कि यह जल्दी से गल जाएगा। तो मैं ढक लेती हूँ इसे। और देखिए कुछ ही समय में जो टमाटर है हमारा अच्छे से गल जाएगा और पक करके तैयार हो जाएगा टमाटर। तो चलिए 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट में ही जो है टमाटर अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसे मैं खोल कर देख लेती हूँ।
तो देखिए 2 से ही 3 मिनट हुए हैं और हमारे जो मसाले हैं उससे तेल निकलना शुरू हो गया है और टमाटर भी अच्छे से पक चुका है। तो मैं इसे थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ जिससे कि यह जो है अच्छे से बाकी मसालों के साथ मिक्स हो जाए। अब इसी कंडीशन में हम इसमें डालेंगे, इसमें 3 बड़े चम्मच दही डाल लेती हूँ मैं। पालक पनीर में जो दही डालने से पालक पनीर का जो बैलेंस होता है उसको बनाए रखता है, तो इसमें दही डालना ज़रूरी है, इसको स्किप ना करें। और देखिए इसको भी हम भूनेंगे, इसके ऑयल निकले है हुए और 2 मिनट के लिए भूनने से इसका जो है अच्छे से पानी निकल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। तो मैंने 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया है, साथ में 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल लेते हैं इसमें। इसको चलाते हुए हम बाकी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे, जिससे जो है हमारा सभी मसाला एक साथ अच्छे से पक जाए। इसी कंडीशन में हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे, इसे भी थोड़ा सा मसालों के साथ मिलाते हुए चलाएंगे। अब हम डाल देंगे पालक का जो पेस्ट तैयार किया था हमने, उसको डाल लेते हैं इसमें। तो देखिए मैंने सारे पालक के पेस्ट को डाल लिया है। अब इसे मसालों के साथ मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे और इसको तब तक भुनना है हमें कि इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसे हम पकाते हैं, इसे मीडियम फ्लेम में पकाते हुए चलाते रहेंगे। देखेंगे कुछ ही समय में जो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम इसी कंडीशन में इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल लेंगे और 1/2 छोटी चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर डाल लेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे इसको। इसको मिलाते हुए हम कुछ समय के लिए पकाएंगे। अब यह पक चुका है तो हम इसमें पनीर को डाल देंगे और पनीर को भी साथ में ही हम मिला लेंगे हम अच्छे से। तो इसे मिलाते हुए मैं चला ले रही हूँ और देखिए कुछ ही समय में मिल चुका है। अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी डाल लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो इसे पकाना ज़्यादा पड़ेगा। तो मैं इसमें बस 1 कप ही पानी डाल रही हूँ। पानी डालते हुए इसे चलाते हुए चलेंगे और हाई फ्लेम पर गैस को रखी हूँ मैं। तो यह देखिए पकना शुरू हो चुका है और इसे कुछ देर तक ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो यह आसानी से पक जाएगा, बहुत ही जल्दी कम ही समय में पक जाता है। तो देखिए यह पक चुका है और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार से नमक। तो इसे और नमक डालकर कुछ समय के लिए पकाएंगे, ध्यान रखेंगे कि मैंने बीच में और नमक डाला था। चलाते हुए इसे पकाएंगे, 2 से ही 3 मिनट में यह पक करके रेडी हो जाएगा। तो देखिए यह पकते हुए इस कंडीशन में आ गया है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो हम इसे इसी कंडीशन में बंद कर देंगे। इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। देखिए तड़का के लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे, 1 टीस्पून तेल डाल लेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियों को काट कर ले लिया है, 2 सूखी लाल मिर्ची ले लिया है। अब इसका कलर चेंज होने देंगे, जब यह कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से हम चटकने देंगे, जब हमारा जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो फ्लेम को बंद करने लेना है और ठंडा होने देना है तेल को। और ठंडा तेल में 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल लेंगे। अब इसको हम गार्निश करेंगे, गार्निश के लिए मैंने लिया है क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो दो दूध के ऊपर मलाई रहता है उसमें 1 चम्मच दूध डाल लीजिए, उसको अच्छे से फेंट लीजिए और क्रीम बना लीजिए, अच्छे से बन जाता है वो। तो देखिए मैंने बना लिया है उसी को और चलिए देखते हैं इसमें। अब हम 1 पनीर का क्यूब होता है उसको रखी थी मैंने, उसको थोड़ा सा क्रश कर देंगे कद्दू क्रश की सहायता से, पतले पतले एकदम। तो यह बन करके तैयार हो गया है, देखिए मैंने इसको डाल लिया है क्यूब को। और आपको याद दिला देती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें सब्जी कैसे लगी। और जो तड़का बनाए थे उसको हम अब डाल लेंगे इसमें। तो फटाफट से मैं डाल लेती हूँ और रेडी है हमारा पालक पनीर का सब्जी। अब इसे सर्व कर सकते हैं।